हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रेजी लाइफ पर। तो मैं सौरभ कुमार आ गया हूँ एक धमाकेदार ऑफर। नहीं, ऑफर नहीं है, ये छोटा सा एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये धमाका या धमाका धमाका तो कुछ नहीं है, बल्कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी मुझे मिला था। चलो, मुझे कमेंट वगैरह भी मिलने लगे अब तो अच्छी बात है भाई। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो हमारे चैनल को। एंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड शेयर तो करना बनता है आप लोगों को भाई, प्लीज़ सपोर्ट। एंड काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, एक्चुअली एक वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो नहीं बना पा रहा था। एंड नेट भी खत्म हो गया था, रिचार्ज कराने के बाद मैं वीडियो अब बना रहा हूँ। एंड टॉपिक ये थी कि भाई लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि भाई वोल्ट ही नहीं आ रहे, जैसे इस अपडेट करने के बाद, मतलब पाई में अपडेट करने के बाद वोल्ट ही शो नहीं कर रही है, आखिर ऐसा ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो भाई मैं बता दूं कि सबसे पहले आप यदि सेटिंग में जाओगे तो मैं यहां से आपको सबसे पहले सिंपल सा प्रोसेस बता दे रहा हूं। सेटिंग में जाने के बाद आप यहां पे कनेक्शन में जाओगे तो यहां पर जाने के बाद आप देख सकते हो यहां पे मोबाइल नेट सिम कार्ड मैनेजर, यहां पे देख सकते हो। यहां पे जाने के बाद आप सिम वन, ठीक है, इसे ये सब बढ़िया से चेक कर लेना। एंड यहाँ पे दोनों ठीक रहना चाहिए, ठीक है। देख लो भाई, मैं सब कुछ आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो LTE 3G 4G 2G सब कुछ यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, उसमें ठीक करना। यदि आपका सिर्फ LTE लिखा हुआ है तो भाई आपका नेट वोल्टेज शो नहीं करेगा। तो ध्यान से आप लोग सुनो एंड स्टेप को फॉलो करो और प्लीज़ सपोर्ट करो हमारे चैनल को। तो यहाँ पे ये देख लेना, एंड LTE नहीं रहना चाहिए ओनली, तो इसे ज़रूर कर देना। 3G 4G 2G सब कुछ इसमें टिक कर देना। एंड नेक्स्ट जो है उसके बाद क्या प्रोसेस है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। एंड सेकंड नंबर ये है, आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क में। मोबाइल नेटवर्क में जाने के यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वोल्टी 2 का इसको भी अनेबल कर लेना, ये वोल्टी 2 का भी यहाँ पर अनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर दोनों का दोनों 4G का वोल्टी कर लेना, दोनों ध्यान से सुनो, दोनों का दोनों सिम 1 एंड सिम 2 दोनों का LTE रहना चाहिए, ठीक है। यदि आपका ये भी प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ी सिंपल बात मैं बता दूं कि जितने भी बग्स वगैरह हैं सब कुछ आपके ख़त्म हो जाएंगे पल 2 मिनट के अंदर। बस सिंपल सा आपको वॉल्यूम पावर बटन ऑफ कर देना है, फ़ोन ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करना है, ठीक है, ऑफ करने के बाद, पहले मत करना भाई। तो उससे करने से क्या होगा, आप वहाँ से हार्ड रीसेट मार दो तो दैट्स बेटर। हार्ड रीसेट मारोगे तो आपका फ़ोन, ठीक है, जितना भी बग्स वगैरह था सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने भी किया था, मेरा भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मेरा वोल्टी का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि वो भी नहीं होता, उसके बाद भी नहीं होता, तो प्लीज़ हमें कमेंट करो, मैं दूसरा सोल्यूशन आप लोगों को जल्द से जल्द दूंगा। तो एक छोटी सी मैंने ब्लॉग डाली थी इको पार्क से रिलेटेड, लेकिन आप लोगों ने उसमें प्यार नहीं दिया, 2-3-4 व्यू ही कुछ ऐसे ही दिए। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करो हमारे क्रेजी लाइफ चैनल को। तो देखो भाई, उन्होंने टोटल मुझे 8 ही सपोर्ट मिला है आप लोगों की तरफ से, प्लीज़ सपोर्ट करो भाई को। एंड देख लो 8 ही व्यू मिला है, प्लीज़ सपोर्ट करो भाई। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताएं। देखो यहाँ पे मैंने मुझे कमेंट मिला था कि भाई नहीं चल रहा है, भाई कैमरा में चेंज है, अच्छा कैमरा भी, हाँ जी भाई कैमरा भी चेंज हुआ था। एंड यहाँ पे जो भी बग्स वगैरह प्रॉब्लम होगा भाई मुझे बताओ, मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा आप लोगों को। एंड रोहित भाई, रोहित कुमार भाई, जो भी हो आप लोगों ने कमेंट, आपने ही कमेंट किया था और एक बंदा कोई और है उनने भी कमेंट किया था, तो प्लीज़ आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, यदि होता है तो बताना, नहीं होता है तो भी बताना भाई, ठीक है। एंड अपना बैकअप वगैरह बना लो, यदि आप बोलोगे तो मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा कैसे रीसेट मारते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड उम्मीद आपको ये इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा, यदि मिला है तो प्लीज़ हमें, यदि आपका काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से वोल्टी वगैरह, तो प्लीज़ हमें बताओ, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, इतना ही। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ प्रैंक वगैरह भी करूँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा अभी उसके लिए, मेरे पास कैमरा वगैरह कुछ नहीं, फ़ोन से उतना अच्छा होता नहीं है। तो सपोर्ट करो भाई, 130 सब्सक्राइबर ही हुए अभी तक, इतने दिन मतलब एक साल होने वाले हैं, 130 सब्सक्राइबर क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होने वाला, प्लीज़ सपोर्ट करो भाई। एंड किस टाइप के वीडियो चाहते हो ये भी बताओ हमें, ठीक है। मेरे लाइव सिस्टम तो बंद हो चुकी है, लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं तो मैं लाइव भी आता, लेकिन पता नहीं क्या कैसे 1K सब्सक्राइबर के बाद ही कुछ हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट।